हेलो दोस्तों, देखिए भारत के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने विराट कोहली संग जो विवाद हुआ था कप्तानी को लेकर उस पर बड़ा खुलासा किया। क्या कुछ कहा इसी पर आप लोग से बात करेंगे। आप लोग को हाथ जोड़कर नमस्कार, आप सभी लोगों को मैच में स्वागत है, मैं नाम सतीश मिश्रा है। देखिए यह मसला स्टार्ट कहाँ से हुआ था। देखिए विराट कोहली 2021 में T20 की कप्तानी छोड़ने वाले थे। उन्होंने ये कहा था कि मुझे ODI और टेस्ट की कप्तानी जो है उसे कंटिन्यू करना है और T20 कप्तानी मैं छोड़ रहा हूं। तो वहां पे सौरभ गांगुली उसमें BCCI के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये बात कही थी विराट कोहली से कि आप कप्तानी मत छोड़िए T20 की। और ये बात एक TV शो के दौरान बोला सौरभ गांगुली ने कि मैंने विराट कोहली को मना किया था कि आप T20 कप्तानी नहीं छोड़िए, और एक बार नहीं मैंने कई बार मना किया था उनको, और ये भी कहा था अगर आप T20 कप्तानी छोड़ते हैं तो आप पूरी तरह से जो वाइट बॉल की फॉर्मेट है उसकी पूरी कप्तानी छोड़ दीजिए और रेड बॉल की कप्तानी कीजिए। मैं भी चाहता था कि रेड बॉल और वाइट बॉल के दो अलग अलग कैप्टन हो जिससे चीजें और ज्यादा डिफरेंट लगे, इस तरह की बात कही सौरभ गांगुली ने। लेकिन उस बात को लेकर विराट कोहली जो साउथ अफ्रीका का टूर हुआ था वहां पे, यहां पे 3 टेस्ट मैच खेले जाने वाले थे, वहां पे साउथ अफ्रीका 2-1 से जीती थी, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था साउथ अफ्रीका टूर जाने से पहले, जहां पे विराट कोहली से ये क्वेश्चन पूछा गया कि सौरभ गांगुली ने आपको मना किया था कि उसके बावजूद आपने ये कप्तानी क्यों छोड़ी, और तो उन्होंने ये बात कही कि मुझसे ना सौरभ गांगुली नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि बोर्ड के किसी अधिकारी ने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और 90 मिनट पहले ये बताया गया कि अब आप ODI कैप्टन नहीं रहेंगे, इस तरह की बात विराट कोहली ने कहा था। और साउथ अफ्रीका टूर के बाद जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद पूरी तरह से जो आरोप था पूरी तरह से विराट कोहली पर लगा दिया था चेतन शर्मा के माध्यम से, उस समय वो चीफ सिलेक्टर भी थे वहां। उसके बाद विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दिया और कहा कि मैं किसी भी फॉर्मेट का कोई कप्तान नहीं रहूंगा। लेकिन अब एक टीवी शो के दौरान सौरभ गांगुली ने इसी बात का खुलासा किया है कि मैंने विराट कोहली को कई बार बात बोल चुका हूं कि मैं विराट कोहली को मना किया था आप T20 कप्तानी मत छोड़िए, अगर आप T20 कप्तानी छोड़ेंगे तो दो अलग अलग फॉर्मेट के 3 कप्तान नहीं हो सकते, T20 कोई और हो और ODI कोई और हो या टेस्ट कोई और, ऐसा नहीं चल सकता, तो आप रेड बॉल कंटिन्यू रखिए और वाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान कोई और होगा, इस तरह की बात सौरभ गांगुली ने कहा था। लेकिन विराट कोहली ने इस बात से मना किया, इंकार कर दिया पूरी तरह से कि मुझे किसी बोर्ड के किसी अधिकारी ने ऐसी बात नहीं कही थी, मुझे ये बात स्वयं विराट कोहली ने मुंह से कहा था साउथ अफ्रीका के जो खिलाफ जो टेस्ट सीरीज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरा पे जाने से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पे यह बात विराट कोहली ने कहा था। लेकिन अब देखिए अभी भी विराट कोहली जो अपनी तरफ से बात कही, सौरभ गांगुली ने अपनी तरफ से बात कही, अब कौन एग्जैक्ट सही बोल रहा है कौन एग्जैक्ट नहीं सही बोल रहा है ये तो देखिए ये तो दो ही बंदे जान सकते हैं, या तो सौरभ गांगुली जान सकते हैं या तो विराट कोहली जान सकते हैं। उसमें काफी पावरफुल थे सौरभ गांगुली और BCCI के अध्यक्ष भी थे, तो बहुत सारी चीजें सामने आई थी, उसमें बहुत सारा ये भी कहा गया कि सौरभ गांगुली ने यह भी कहा कि मुझे बहुत आरोप लगाया गया कि मैंने विराट कोहली कप्तानी छीन लिया है, उन्हें कप्तानी हटा दिया, जबकि ऐसा नहीं है, मैंने विराट को पहले मना किया था और जब उन्होंने नहीं माने और पूरी तरह से तैयार थे T20 कप्तानी छोड़ने का और ODI और टेस्ट कप्तानी करना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, पॉसिबल नहीं था, और इसीलिए मैंने वाइट बॉल क्रिकेट का अलग कप्तान रखा था और रेड बॉल का अलग। लेकिन अब जब पूरी तरह से तीनों फॉर्मेट कप्तानी छोड़ दिया तो रोहित शर्मा के पास गए, जबकि रोहित शर्मा इंटरेस्टेड नहीं थे टेस्ट कप्तानी लेने के लिए, केवल वाइट बॉल कप्तानी करना चाहते, लेकिन उन्हें कहा गया, रिक्वेस्ट किया गया कि आप तीनों फॉर्मेट कप्तानी कीजिए, तो कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, देखिए अभी रिसेंट टाइम में हार्दिक पांड्या चोटिल है, अदरवाइज हार्दिक पांड्या ही T20 कप्तान होते और ODI होते रोहित शर्मा, और जो मतलब कि आपका रेड बॉल उसके भी रोहित शर्मा कप्तान है, तो फिर तो यहाँ पे अलग कप्तान होता, फिर आप फिर तो आप कैसे कह सकते हैं कि ODI का और टेस्ट कप्तान अलग नहीं हो सकता, T20 कप्तान अलग नहीं हो सकता, ये बात कैसे बोल सकते हैं आप। देखिए सौरभ गांगुली ने जो बात कही है ये उनके तरह की बातें, लेकिन बड़ा जो विवाद हुआ था काफ़ी तगड़ा विवाद हुआ था और सोशल मीडिया पर काफ़ी विवाद छाया हुआ था। अभी भी बहुत सारे ओकेजन पे जब भी विराट कोहली या सौरभ गांगुली आमने सामने होते हैं अक्सर वो विवाद को लेकर बहुत सारी चर्चाएं बनती हैं, बहुत सारी बातें बनती हैं, लेकिन एक कार्यक्रम के दौरान सौरभ गांगुली ने ये बात कही है और विराट कोहली ने उनकी कप्तानी को लेकर जो बात कही थी कि मत छोड़िए, उसको लेकर विराट कोहली ने ये कहा था कि मुझे ऐसा कुछ भी बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा किसी भी के द्वारा ऐसी बात नहीं कही गई थी, जो पूरी तरह से विराट कोहली ने नकार दिया था। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब, मैच लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं वीडियो में, बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।